हेलो फ्रेंड्स, राज और ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो ये जो नेक बनाया है वो मैंने डीप बनाया है और ये सूट में बनाया है, कुर्ती में। तो नेक की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे, जिससे जो हमारी लंबाई तैयार होगी वो 9.5 इंच तैयार होगी और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। ये जो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बताई है, ये हम सबसे पहले इतनी लंबाई और चौड़ाई का फ्यूजिंग पेपर लेंगे, फिर उसको हम डबल कर लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा नेक के निशान लगाएंगे और डबल फोल्ड करके हम इसको पिन अप कर लेंगे, जिससे कि ये हिले ना। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, जिससे कि जो ब्रॉड हमारी तैयार होगी वो 6 इंच होगी और इसमें लंबाई हम रखेंगे 9 इंच। तो वो जो मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, 10 इंच का मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और चौड़ाई इसके लिए फ्यूजिंग पेपर की 8 इंच। तो ये हमारे 1-1 इंच मार्जिन में आ जाएगा, बाकी हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, फिर इसको यहाँ से राउंड करेंगे और थोड़ा सा बाहर से निकाल लेंगे। हल्का सा अगर आप निकालना चाहें तो शेप बन जाएगी इसकी, बट जब इसके ऊपर लेस लगेगी तो सेम सा ही दिखेगा। तो ये मैंने बिल्कुल इसमें राउंड में इसकी जो शेप है वो दे दी है और यहाँ से बाहर से हमने 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। फिर हम इसका जो अंदर का हिस्सा है उसको कट करेंगे। उसके बाद हमने जो ये फ्यूजिंग पेपर पे कट किया है, पेस्टिंग पे कट किया है, ये हमारी पेस्टिंग जो है, पेस्ट होने वाली, चिपकाने वाली बुकरम होती है वो है, इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। जिस भी कपड़े के ऊपर हमने बनाना है, जो अंदर की साइड हमारा आएगा ये बाहर नहीं दिखेगा, तो हम अलग कपड़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसको बाहर से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि चिपकाने के बाद जो हमारा बाहर का मार्जिन होगा, जो हमने आधा आधा इंच रखा है, उसको हमने ऐसे फोल्ड करना होता है। तो ये हमारा जो बाहर की जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हम इसको कुर्ती पे अटैच करेंगे, जिस भी कुर्ते पे हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको बीच में से, जो इसका मिड पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच, इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सी लेंगे। तो पहले हम बीच में से सिलाई लगा लेंगे इसके। एक बार बीच में से सिलाई लगाने से क्या है, जब हम दोनों साइड इसको सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी इक्वल लगेगा दोनों साइड, और नेक हमारा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल बीच में बनेगा ये हमारी सूट के, जो जिस भी हम सरफेस पे बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक ये सिलाई लगा ली। उसके बाद फिर इसको हम कट कर देंगे और मार्जिन हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, जिससे कि पलटने में इसमें दिक्कत ना आए। और उसके बाद हम छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। ऐसे हमने फोल्ड करना है इसको, फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने इसके प्रेस करनी है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है, दिखाई अच्छा देता है। उसके बाद हम इसको बाद में इसके ऊपर तुरपाई करेंगे, और मैंने इसके ऊपर पक्का टांका भी लगाया नहीं है, वो हम बाद में लगाएंगे। फिर हमारे पास जो भी कपड़ा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, जो उसको हम ऐसे प्लेट्स बनाएंगे, फ्रिल्स बनाएंगे, प्लेट्स डालेंगे ऐसे बिल्कुल आधा आधा इंच की दूरी पे। मैंने ये कोई भी नाप के नहीं लिया है, वैसे वेस्ट कपड़ा है, मतलब हमारा बचा हुआ कपड़ा सूट में से। तो उसको ऐसे बीचों बीच ऐसे वो लगा लेंगे, प्लेट्स लगा लेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो आसानी से हमारा बनेगा। बीचों बीच सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसकी जो साइडों में है, आप देख रहे हैं वीडियो में, इस जो साइडों में है उसको हम इस तरीके से सील लेंगे कि जब इसको हम कुर्ती के जो गला है उसमें डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हैं, तो वो हमारी एक शेप है वो प्रॉपर आ जाए। तो दोनों साइड इसके सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो प्लेट्स हैं वो हिलेंगी नहीं, और प्रेस भी कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी प्लेट्स हैं वो बन चुकी है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। तो इसको मैंने कोई भी नाप के नहीं लिया, जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसमें सीधा उठा के इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। जब नाप तो हम, जब हम इसमें एक्स्ट्रा ही होता है ये कपड़ा, तो जो हम गला बनाएंगे उससे ज़्यादा हमने लेना है, 3 या 4 इंच। उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है उसके बाहर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, और फिर इसी नाप का हमने एक कपड़ा और लेना है सेम एज इट इज कट करके, फिर उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको हम अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फिर फिनिशिंग हो जाएगी इसके अच्छे से, और ये डबल भी हो जाएगा कपड़ा। तो अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे, जो ऊपर की साइड है इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये हमारे इस तरीके से तैयार होगा। हमने पहले इसका बीचों बीच करना है। जो हमने सिलाई लगाई थी वो इसका मिड पॉइंट नहीं था, वो जैसे एग्जैक्ट सिलाई नहीं लगाई थी, वो हमने ऐसे कपड़ा उठा के ऐसे बीच में सिलाई लगा दी थी, ताकि प्लेट्स हमारी बन जाएं। अब हमने इसका सेंटर माप करना है, और सेंटर माप के इसके बीचों बीच हमने चौक से निशान लगाना है, और फिर इसको हमने एक बार रख के देखना है कि ये हमारा गले पे एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और उसके बाद हम इसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करेंगे जो अभी हमारी मैचिंग की लेस होगी। तो लेस के ऊपर हमने डबल सिलाई लगानी है दोनों साइड, जिससे कि ये फिनिशिंग से लगती है, और ये हमने लेस इसके ऊपर लगा दी। अब हम इसको कुर्ते के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए आप, मैंने ये 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि इसकी गोलाई है वो अंदर की साइड अच्छे से बैठ जाए। तो ये हम इस तरीके से ऊपर से 6 इंच नाप लेंगे, इसको बीच में से दोनों साइड बराबर रखना है। तो ये देखिए, यहाँ से भी हमने थोड़ा ज़्यादा, तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका लेंगे। तो दोनों साइड से हमने 6-6 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि जो हमारा नेक रेडी होगा, डिप्थ रेडी होगी, वो गहराई होगी इसकी, वो 6 इंच ही तैयार करेंगे। 6 इंच से ज़्यादा हमने डीप इसको नहीं बनाना। उसके बाद हम दोनों साइड पिनअप कर लेंगे, जिससे कि दोनों साइड हमारा इक्वल लग जाए, कहीं दूसरी साइड से 6 इंच हो जाए और एक साइड से हमारा 6.5 इंच हो जाए, इसीलिए हम इसको पिनअप करेंगे। फिर इसके ऊपर हमने जो टॉप स्टिच हमने नहीं दी थी इसकी ऊपर से, वो हम अब देंगे, जिससे कि हमारी डबल सिलाई नहीं लगेगी, सिंगल सिलाई में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा ली है, और इसको हमने जहाँ पे ये जॉइंट होएगा वहाँ पे हम डबल भी करेंगे, जिससे सिलाई को रिवर्स कर लेंगे, तो ये पक्का हो जाएगा। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, जिसमें हमने प्लीट्स डाली थी, उसको हम कट कर देंगे, और अंदर की साइड इसको जब हम तुरपाई करेंगे तो इसको भी साथ में हमने तुरपाई करनी है, जिससे कि ये उखड़ेगा नहीं और बिल्कुल एज इट इज सेट रहेगा। तो ये हमने इसका अंदर का कपड़ा भी इसको इस तरीके से ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे ऊपर से, जो हमारा जो लेस लगानी है तो वो इसके ऊपर से ऐसे लगाते जाएंगे, और लेस के ऊपर भी हमने डबल स्टिच करना है दोनों साइड, क्योंकि ये हमारी 1/2 इंच के करीब लेस है। तो हमने दोनों साइड इसका जो पिंक कलर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर ऐसे सिलाई चलानी है बिल्कुल बारीक, और लेस लगाते टाइम हमने धागा भी चेंज करना है, क्योंकि लेस का कलर हमारा अलग है और कुर्ती का कलर हमारा अलग है। तो ये हमारी लेस लग चुकी है, हमने इसके ऊपर दोनों साइड इसी तरीके से डबल सिलाइयाँ लगा दी है। तो ये लेस लगाने के बाद हमारा मोस्टली ये जो गला है वो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने मोती भी अटैच करने हैं। उससे पहले हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर से थोड़ा उठा हुआ है और इसकी थोड़ी शेप बिगड़ी हुई है, वो अच्छे से फिर सेट हो जाएगी प्रेस करने के बाद। तो इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम ऐसे रख के देखेंगे कि हमारा एग्जैक्ट जो हमने नाप लिया था, जो हमने तैयार करना था, वही हमारा तैयार हुआ है, और बीचों बीच से जो सिलाई लगाई है उसको उधेड़ देंगे, क्योंकि अब हमारा नेक बन चुका है। और फिर हम इसके ऊपर ये गोल्डन मोती अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये गोल्डन मोती अटैच किए हैं, और इसके साथ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक